गरीब वर्सेस अमीर का क्रिकेट। नारसिंह के गांव के बच्चे खेलने के लिए एक मैदान था। उस मैदान में गांव के सारे बच्चे आकर क्रिकेट खेलते थे। एक दिन गरीब बच्चे रोहित और उनके दोस्त एक टायर को विकेट की तरह रखकर एक नारियल पेड़ के ताने से बैट बनाकर क्रिकेट खेल रहे थे। तब उधर अमीर बच्चा उदय और उनके दोस्त आकर वो देखे। तब उदय उनके दोस्तों से, उदय, अरे देखे हो वो रोहित और उसका गैंग का पागल खेल, बेचारे नारियल पेड़ के ताने से खेलना क्रिकेट समझ रहे है के लिए हमें क्यों सोचना है, उनको ही जाकर पूछेंगे कि इस खेल को क्रिकेट कहते हैं या और कुछ। कहकर सब अमीर बच्चे उनके पास गए। अरे तुम टायर को विकेट बनाकर रखे हैं ना, अब बॉल टायर के बीच में से गया तो वो आउट नहीं होता है ना। हेलो उदय, तुम हमारे इतना मजाक करने की जरूरी नहीं है, टायर के बीच में बॉल गया तो वो आउट ही है। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर विकेट के ऊपर बेल्स गिरेंगे तब भी आउट होता है ना, लेकिन आप लोग तो बेल्स नहीं लगाए तब कैसे खेलते हैं? देखिए हमको जो खेल आता है वैसे खेलते हैं, आपको जैसा खेलना है आप खेलिए, लेकिन ज्यादा मत बोलो। अरे बाप रे, सर जी को गुस्सा आ रहा है हमें क्यों, चलिए हमारे खेल हम खेलेंगे। कहकर रिच बच्चे जाकर उनका खेल वो खेलने लगे। ऐसे कुछ देर के बाद उस ग्राउंड के पास उस गांव का राउडी विक्की उनका अनुगामियों के साथ आकर खेलते हुए बच्चों से, विक्की, अरे वो छोटे बैंगन कहीं के, अब से आपका क्रिकेट का खेल को हमेशा के लिए हॉलिडे दे रहा हूँ, अब से अगर मैं किसी को भी इस ग्राउंड में देखा तो चमड़ी उतार देता हूँ रे। ये क्या, ग्राउंड में नहीं आने के लिए कह रहे हैं? इस ग्राउंड को तो गांव की जमींदार बच्चों को खेलने के लिए मुफ्त में लिखकर दिया है, पता है ये आपका है क्या? अरे ओ गरीब बच्चे, इस जगह पर विक्की दादा का नजर पड़ा है, आप सब कुछ बंद करके इधर से चले जाइए, नहीं तो आपका और आपका माँ बाप को भी पछताना पड़ेगा। तब उधर आकर उदय, क्या विक्की दादा, हमारे ग्राउंड में आकर हमारे दोस्तों से तुम्हारी मर्जी से बोल रहे हो, पहले तुम इधर से चले जाओ, नहीं तो इधर आने के लिए बाद में बहुत पछताओगे। क्यों रे रिच बाबू, हमेशा गरीब बैच को सताने वाले आप इतना जल्दी पार्टी बदल दिए, वे आपका दोस्त कह रहे हो। देखो ये सब तुम्हें क्यों, हमारे बीच में 100 झगड़े रहते हैं, लेकिन ये हम सबका फेवरेट ग्राउंड है, इसके पास मत आना। वो सुनकर उनके अनुगामियों के साथ विक्की, अरे ओ रौड़ी कही के, इन बच्चों से और कितना सुनना चाहिए मुझे, तुरंत इनको बाहर निकाल दो। तब विक्की के अनुगामी बच्चों को ग्राउंड से बाहर निकाल दिए। तब सारे बच्चे जाकर उनके माँ पिता को ये बात बताए। ये सब सुनने के बाद उदय का पिता, अरे हम क्या कर सकते हैं, उस जमींदार का बेटे तो फॉरेन में सेटल हो गए, उनको कैसे मिलना भी हमें पता नहीं है, ऊपर से वो विक्की उस ग्राउंड में एंटर हो गया तो सब कुछ पक्का तैयार होकर आया होगा, और उस विक्की के पीछे वो एमएलए भी है, ये बात छोड़कर आप पढ़ाई पर ध्यान दो तो अच्छा होता है, कहकर सब लोग चले गए। अब उदय से रोहित, उदय हमारे माँ पिता उनको छोड़ने से भी हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे भी उस जमींदार का बेटा को पकड़ना है। डन रोहित, तुम्हारी कोशिश तुम करो, मैं जो करता हूँ मैं करता हूँ, जैसे भी हमें उस ग्राउंड को कोना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद विक्की उनका अनुगामी एमएलए के साथ उस ग्राउंड के पास आए। अब गरीब और अमीर बच्चों के साथ एक आदमी क्रिकेट खेल रहा था। अरे वो छोटे बच्चे कही के, आपको पहले बोला फिर भी इधर आके खेल रहे हो, ऊपर से इस नया आदमी को लाकर कुछ ड्रामाबाजी कर रहे हो, देखा मेरा साथ कौन आया है, एमएलए साहब आए हैं, अब से ये जगह इनका ही है। तब बच्चों से खेलने वाला आदमी, अरे वो चचुंदर किसका जगह किसका हो गया, किसको वार्निंग दे रहे हो पता है, मैं कौन हूँ पता है, जमींदार राजाराम जी का बेटा हूँ, उनका संपत्ति का और इस जगह का वारिस हूँ, तुम्हारे लिए ही कल रात स्पेशल फ्लाइट में आया हूँ, शर्म नहीं है तुम्हें गधे कहीं का, बच्चों के लिए दिया जगह को कब्जा करने के लिए देखते हो, ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पीछे जो भी है उनके ऊपर मैंने कंप्लेंट दिया है, पहले तुम अंदर जाओगे और तुम्हारे दोस्त एमएलए तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। तब पुलिस उधर आकर विक्की को एमएलए को और उनके अनुगामियों को सब लोगों को अरेस्ट करके लेके गए। अब बच्चों से जमींदार, बच्चे वेरी गुड, बहुत मेहनत करके आपने मुझे सोशल मीडिया में ढूंढ कर निकाले, देखिए खाली आपका ग्राउंड के लिए ही नहीं, बाहर कोई अन्याय होता है तो ऐसे ही रिएक्ट करना होगा।
तब सारे बच्चे ठीक है सर। तब बच्चों को उनका माँ पिता बहुत प्रशंसा किए। गरीब वर्सेस अमीर का खेल। नागपुर में रतनलाल नाम का एक सुनार रहता था। वो एक दिन अपने दोस्त सोमलाल से, यार सोमू, मुझे घर पर काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई हो तो मुझे बताना यार। तुम तो जानते ही हो कि मेरे घर में बहुत सारा सोना पड़ा रहता है, इसीलिए हर किसी पर भरोसा करके उसे नौकरी पर रख नहीं सकता यार मैं। इसीलिए तुमसे ये मदद मांग रहा हूँ। अगर तुम किसी अच्छे परिवार को जानते हो तो बताओ, मैं उन्हें घर पर नौकरी पर रख लूंगा। तुम तो जानते ही हो कि नौकरों को मैं बड़े प्यार से रखता हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों जो पहले काम करते थे वो छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें तनख्वाह एडवांस में भी दिया था। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे बस ईमानदार व्यक्ति दो। अरे रतन, तुम चिंता ना करो यार, मेरे गांव में एक गरीब परिवार है जो काम मांग रहा था, वो बहुत भरोसेमंद है, मैं उन्हें भेजता हूँ। कहकर एक दिन उस परिवार को लेकर वो वहां पहुंचा। रतन, यही है वो गरीब परिवार। इसका नाम है गिरिधर और इसकी पत्नी है स्वरचला और ये लड़का उनका बेटा है चिंटू। ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, ये लोग बड़े ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है, थैंक्स यार। देखो गिरिधर, आप लोग आराम से काम करो। ये देखो, वो क्वार्टर्स मैंने नौकरों के लिए बनवाया था, आज से तुम वहीं रहो और घर का काम करो, ध्यान से रहना। उस दिन से गिरिधर का परिवार रतनलाल के घर काम करने लगा। जब गिरिधर और सुवरचला काम पर चले जाते तब चिंटू उस गली के बच्चों के साथ कंचे खेलता था। एक दिन ये देखकर रतनलाल का बेटा मुन्नालाल, ए तुम कौन हो, हमारे घर के सामने कंचे खेल रहे हो? मेरे मम्मी ने कहा था कि कंचे खेलना बुरी बात है। क्या कंचे खेलना गलत है? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैं जब छोटा था तभी से कंचे खेल रहा हूँ। वैसे भी मेरे घर में माँ बाप नौकरी पर गए ना, अब मैं अकेला बैठा क्या करूँगा, इसीलिए इन बच्चों के साथ में कंचे खेल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम गिरिधर के बेटे हो? मैं उस घर के मालिक रतनलाल का बेटा मुन्नालाल हूँ। ये लो, मेरे पास बहुत सारे कार के खिलौने हैं, मैं उनके साथ खेलता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी थोड़े कार्स ले लो, तुम भी उनके साथ खेलो, लेकिन ऐसे कंचे ना खेलो। अरे तुम तो उस घर के वारिस हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। अरे तुम कार के खिलौने तो क्या, असली कार भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं ठहरा गरीब, तुम्हारे घर में काम करने वाले नौकरों का बेटा हूँ। मुझे मेरे माँ बाप पैसे नहीं देते, और वैसे भी वो खिलौने खरीदने हो तो बहुत पैसे लगते हैं, मैं तो बस दूर से देखकर ही खुश होता हूँ, खरीद तो पाता नहीं। तो एक काम करो, मेरे पास जो कार के खिलौने हैं उनके साथ तुम भी खेलो। ये तो ठीक है कि तुम खेलने के लिए अपना खिलौना दे रहे हो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये कंचे हैं। अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से अगर कोई देख ले तो सोचेगा कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने कंचे मुझे दे दो, मैं उनके साथ खेलूंगा। तुम उन कंचों के साथ जो निशाना लगाते हो वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी उन कंचों के साथ खेलूं, लेकिन मम्मी ने मना किया था इसीलिए मैं खेल नहीं पाता। तो तुम मुझे कंचे खेलना सिखाओ और मैं तुम्हें कार रिमोट से कैसे चलाते हैं ये सिखाता हूँ। चलो मैं सिखाता हूँ। कहकर उसे कंचे खेलना सिखाया और मुन्नालाल ने चिंटू को कार रिमोट से कैसे चलाते हैं वो सिखाया। एक दिन मुन्नालाल, ठीक है चिंटू, ये कार के खिलौने तुम ही रख लो और मैं तुम्हारे कंचे रख लेता हूँ। कहकर उसे कार के खिलौने देकर कुछ कंचे लेकर चला गया। वो खुशी खुशी कार के खिलौने के साथ खेल रहा था कि तभी बाहर से आए रतनलाल ने उसे देखा। ए चिंटो, यहाँ आओ, ये खिलौने तुम्हें कहाँ से मिले, हमारे घर से ले आए क्या? नहीं सेठ जी, आपके बेटे मुन्नालाल ने लाकर मुझे खेलने के लिए दिया है। क्या मेरा बेटा? नहीं नहीं, वो तुम जैसे गरीब बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, मुझे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हें दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने इसे चुरा कर लाकर तुम्हें दिया है। यूं चिंटू और उसके माँ बाप पर शक करके जब रतनलाल ने ऐसा कहा
तो तभी मुन्ना लाल वहाँ पहुँचा। पिताजी आप उन पर शक ना करें, ये खिलौने मैंने उसे दिया था, इसके बदले में मैंने उससे कुछ कंचे लिए थे। ये सुनकर रतनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी चिंटू, मैंने जल्दबाजी में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया और तुम सब पर शक किया, मुझे माफ कर दो। बिना अमीरी गरीबी की फर्क किए बच्चे अच्छी तरह खेल रहे हैं, तुम लोग ऐसा ही खेलो बेटा। ये सुनकर गिरिधर और उसके परिवार बहुत खुश हुए।